अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अब तक के जितने भी ब्रिज कोर्स हो गए हैं उसको मुकम्मल कर चुके होंगे। आज हम ब्रिज कोर्स टेम्पलेट नंबर 11 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग आउटकम्स। रीड्स फॉर प्लेजर इंडिपेंडेंटली इंग्लिश स्टोरी बुक्स, न्यूज़ हेडलाइंस, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा विदाउट डिफिकल्टी। रीड साइलेंटली विथ कॉम्प्रहेंशन। Write events in logical order. Reads announcements in a clear, audible voice with proper pronunciation. इस टेम्पलेट के बाद इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको जो कोई भी रीडिंग से मुतालिक चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो इंग्लिश स्टोरी बुक्स हो, हेडलाइंस हो, एडवर्टीजमेंट हो या कोई अनाउंसमेंट हो, या इसके साथ साथ साइलेंट रीडिंग जो आपको खामोशी से लाइब्रेरी वगैरह में करने के लिए कहा जाती है, वैसी साइलेंट रीडिंग को भी कॉम्प्रहेंशन के साथ समझकर लॉजिकल ऑर्डर के साथ इंशाल्लाह आप इस टेम्पलेट के मुकम्मल करने के बाद आराम से कर सकोगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स, पेरेंट्स, फैसिलिटेटर्स। नंबर 1, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन प्रोफाइल। Ask students to write their own profile. The teacher can ask many more questions on the profile. Instructions for the students: read the profile, help the students to write their profiles. आपको profile पढ़ना है और students को उनके profile लिखने में मदद करनी है। Video ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से activity की तरफ बढ़ते हैं। Learning activity में देखिए, read the specimen given below. Now write your friends profile using his her answers. बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्पेसिमेन बताया हुआ है जिसमें कि आपको अपनी फ्रेंड की प्रोफाइल बनाना है उसके आंसर्स उसी से मालूम करके। पहले तो देखिए प्रोफाइल होता क्या है। प्रोफाइल यानी कि किसी की इंफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड की इंफॉर्मेशन प्रोफाइल बनाना है, तो अब जाहिर सी बात है जिसकी प्रोफाइल है वही उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर देगा। अब अगर आप मेरी प्रोफाइल बनाओगे तो आपको क्या पता कि मुझे क्या फेवरेट पसंद है, मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे कौन सी डिश पसंद है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा बर्थडे क्या है, आपको नहीं पता। तो आप मुझसे जब तक नहीं पूछोगे, जब तक आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम कर पाओगे। तो इसी तरह आपको अपने फ्रेंड से उसकी इन्फॉर्मेशन पूछनी है और उसके बाद में आपको वो प्रोफाइल में डिटेल लिखनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, मीट माई फ्रेंड, यहाँ पर जो लिखने वाला है या लिखने वाली, उसने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया है जो कि है राधिका प्रकाश देशमुख। फिर उसका एड्रेस, गेम शी प्लेज, वो कौन से गेम खेलती है, हर फेवरेट डिश, हर फेवरेट सब्जेक्ट, हर हॉबी, फिर ये सब चीज़ें लिखने के बाद वहाँ पर उसकी और कुछ थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि राधिका कैन सिंग एंड विसल। राधिका यानी गा सकती है और विसल कर सकती है, सीटी बजा सकती है। शी कैन स्विम, शी लाइक्स टू राइड अ बाइसाइकिल, शी वॉन्ट्स टू लर्न कराटे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल किस तरह से लिखा जाता है, यानी नेम हो गया, उसके एड्रेस हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो, उसकी फेवरेट डिश, फेवरेट कलर, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस, जो भी आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है आप उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। देखिए टेम्पलेट अभी आपको जो राधिका देशमुख का बताया हुआ है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन के बेस पर आप अपने फ्रेंड का भी प्रोफाइल तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक सॉल्ट एक्टिविटी बताई गई है, स्मिताज प्रोफाइल। अब देखो बच्चों, पहले जो हमने राधिका की प्रोफाइल देखी थी वो फ्रेंड ने राधिका की इंफॉर्मेशन लेकर बनाई हुई थी। अब यहाँ पर स्मिता की प्रोफाइल में स्मिता खुद की अपनी प्रोफाइल लिख रही है, तो आप अपने खुद की प्रोफाइल लिखोगे तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे नेम स्मिता कब से, स्कूल नेम, फ्रेंड्स नेम, तो उसने अपने फ्रेंड का नाम भी डाल दिया है, फेवरेट टीचर, माय फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। और इसी तरह से स्मिता लिखती है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सो आपको दोनों प्रोफाइल में फ़र्क समझा होगा कि किस तरह से आप अपनी खुद की प्रोफाइल भी लिख सकते हो और फ्रेंड की प्रोफाइल उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर किस तरह से लिखी जाती है।
अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है कि प्रिपेयर योर ओन प्रोफाइल, आपको अपने खुद की प्रोफाइल बुक में लिखनी है। एक्सटेंशन एक्टिविटी में फाइंड योर फेवरेट क्रिकेटर्स, एक्टर्स एक्सेट्रा प्रोफाइल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपको बुक में दो चीज़ें लिखनी है, आपका अपना खुद का प्रोफाइल, क्रिकेटर और एक्टर का प्रोफाइल, दोनों चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है। अब इवेल्युएशन, राइट प्रोफाइल ऑफ योर ब्रदर सिस्टर यूजिंग द स्पेसमैन गिवन इन सॉल्व एक्टिविटी। दीक्षा वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन QR कोड के जरिए भी ले सकते हो। माई टेक अवे टूडे आई लर्न, मैंने आज क्या क्या सीखा। टूडे आई हैव लर्न टू राइट अ प्रोफाइल। रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर माई इंग्लिश बुक 5 पेज नंबर 21, पाँचवीं की आपकी पेज नंबर 21 इंग्लिश बुक में आप रेफरेंस देख सकते हो, वहाँ से भी आप प्रोफाइल लिखने का तरीका सीख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।